हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक मूर्ति पर। और ये कुछ हमारी जो महाराष्ट्रियन कल्चर की ट्रेडिशंस है, तो वो हमारी काना जी के साथ हम मना रहे हैं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये लक्ष्मी पूजन का और दिवाली का लोग है, तो ये जो कानों में उनके तेल डाला जा रहा है और उनको उपटन से जो नहाया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम उपटन जो है कान्हा जी को लगा रहे हैं, तो ये लगा के उनको स्नान कराएंगे और बाद में आप आगे का वीडियो देखिए। उपटन उनके पूरे शरीर पर अच्छे से हम घिसेंगे और उनका जो मतलब ये उपटन जो है बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, तो हम वो कान्हा जी को भी हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें उपटन लगा के हम स्नान आज के दिन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप हो गए उनकी जो उपटन लगाकर। अब जो है उनको स्नान कराना है, उसके लिए जल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी को अच्छे से स्नान कराकर उनको जो वस्त्र पहनाए जाएंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और अब जो है लक्ष्मी पूजन शुरू हो गया। ये शाम का जो वीडियो है और इसमें हम आरती करेंगे लक्ष्मी माता जी की और उनको भोग लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमने पूजा की, फिर उनकी आरती हो गई और ये सब बहुत ही हमें अच्छा लगा था जब हम वो बना रहे थे। और ये कुछ वीडियो में ज़्यादा नहीं कर पाया था क्योंकि हम जो है उसका जो आनंद ले रहे थे, तो वीडियो हम तो ज़्यादा नहीं कर पाए। फिर भी ये छोटी छोटी क्लिप जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे छोटे कान्हा जी भी विराजमान हैं और वो भी बहुत अच्छे से सजे हुए हैं। आरती हो चुकी है और हम आरती करने के बाद हम सबको जो है आरती दे रहे हैं। और अब ये आप दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के। और ये हमारे रंगोली है जो कि मैंने ट्राई की थी, पर ये उतनी अच्छी नहीं आई जितना मैंने सोचा था। और ये हमने कमलवाद जो मैं हर दिवाली पर लगाता हूँ, वही ये जो 8 पंखुड़ियों वाली कमलवात होती है जो कमल की भांति की हुई होती है, ये हम लक्ष्मी जी के जो स्वागत के लिए लगाते हैं। अब जो है घर में प्रवेश करते हैं और घर में आपका जो मंदिर का व्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ खास रंगोली नहीं बनाई क्योंकि हम जब पूजा में खड़े होंगे तो हमारे पैरों के नीचे आ जाएगी, इसलिए कुछ ज़्यादा रंगोली यहाँ पर नहीं बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पर कान्हा जी और लक्ष्मी जी को कमल अर्पण किया है। कान्हा जी की बांसुरी यहाँ पर है जो लक्ष्मी जी की पूजा में कान्हा जी ने अपनी बांसुरी भी रख दी है। और ये देखिए पूरा जो मंदिर का व्यू, हमने झाड़ू की भी पूजा कर दी। और जो भी हमारे घर में मतलब हमारे इनकम के जो भी जरिए हैं उनकी हमने पूजा की थी, तो हमें नज़ारा बहुत अच्छा लगा। और हमने जब पूजा की तो काफ़ी अच्छा माहौल बना था। आपके घर में कैसे पूजा हुई वो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे देता हूँ। ये कुछ पटाखे हैं। पटाखों से ज़्यादा हम ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण के बारे में मतलब ज़्यादा कुछ बोलते हैं, बट इतना हमने ज़्यादा कुछ पटाखे नहीं उड़ाए थे। ये कुछ कुछ गीत है जो हमने इंजॉय किया था। तो फ्रेंड्स, आपकी दिवाली कैसे सेलिब्रेट हुई आप हमें इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।